Hi friends, it's me, your lovely Priyanshi, and welcome back to my channel Learn with Priyanshi. और आज का जो व्लॉग है वो ये वाला व्लॉग है कि बहुत दिन हमने मस्ती मना लिया बैंगलोर में, अभी हमको वापस जाना है भुवनेश्वर क्योंकि मेरा स्कूल फिर से रीओपन होगा, मेरे को फिर पढ़ाई चढ़ाई करनी है। और आज नानी के साथ मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत मिस करूंगी, मिस करूंगी। और इस बार परी नहीं थी, अभी मतलब मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि मेरे को कल रात को ना एडिटिंग करना था, इसीलिए मैं लेट उठी हूँ। अभी 8 o'clock हो रहा है, हमारा जो फ्लाइट है वो है 2:40 पे। और हाँ, ये हमारा फ्लाइट का टाइम है हमको, लेकिन फिर भी यहाँ से 1 o'clock तक हमको मतलब पहुँचना है। हाँ, 1 o'clock तक पहुँचना है, बोर्डिंग सब करके वेटिंग हॉल में बैठना है, जैसे कि मेरा भुवनेश्वर टू बैंगलोर वाला व्लॉग था लाइक दैट। आप मेरे को मिस करोगी? सच्ची सच्ची सच्ची। मॉर्निंग मॉर्निंग तो समर वेकेशन हो गया ना राजा। हाँ, समर वेकेशन हो गया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हम जल्दी जाना पड़ रहा है, मम्मी बोल रही है, नहीं तो मैं आर्यू को लेके चलो क्या, वो तो मेरे ट्रॉली बैग में फिट भी आ जाता है। वो देखो नाम लिया और हाजिर, गुड मॉर्निंग आर्यू। दीदी जा रही है आज, बाय। सो एनीवेज मैं जा रही हूँ चेंज करने, मेरे को नहाना भी है, सो आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। अरे बाबू कहाँ है बाबू? अरे बाबू बाबू बाबू। तो अभी मैं ना लास्ट टाइम पार्क आई हूँ क्योंकि और तो नहीं आ पाऊँगी, मतलब नेक्स्ट टाइम आने से और आ पाऊँगी और नहीं आ पाऊँगी। और मैं ये होप की थी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, और मेरे को अभी तक नहीं मिले हैं। सो वो लोग जब मिलने को मिलेंगे तब मैं वीडियो भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो मेरे को मिलेंगे। तो यहाँ मैंने टॉप इसीलिए चेंज कर लिया क्योंकि मेरा वो टॉप जो था ना वो गीला हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी आ रही हूँ ना, थोड़ा सैड सैड हो रहा था, रो रहा था, तो अभी हम लोग ना बुली बुली जा रहे हैं। आ रही हूँ ना, मतलब ऐसे गार्डन पार्क में घूमते रहेंगे और मेरे फ्रेंड्स से भी आपको मिलाऊंगी, वो लोग आज सैड है क्योंकि मैं चली जा रही हूँ। आई कांट बिलीव मैं यहाँ 18 days के लिए आई एंड मैंने 8 friends बना लिए। अरे दीदी संगे भुवनेश्वर जीबू। दीदी कुछ बोल रहे हैं? हाय जीबू। अरे बाय बाय कर दो दीदी, बाय बाय। वाह, फ्लाइंग किसी दे दो दीदी को, फ्लाइंग किसी दे दो। अरे दीदी जा रहे हैं, दीदी को फ्लाइंग किसी दे दो। ये भी हम शूट करेंगे, दीजिए दीजिए पैसा दीजिए। नहीं नहीं, उसको नहीं पता है। अरे वो ये लोगे कि नहीं, रखो दीदी को दे दो। ये बाप फेंक दिया, अरे बाप रे। बाय बाय आर यू, हमारा अभी गाड़ी आ गया। मैं सावन आला बाबू के। आर यू दीदी को मिस करेगा? मैं भी आर यू को बहुत मिस करूंगी। तू भी जाते कर दो ना, मैं छोटी हूँ। अभी जाते करते हो, सबको मिस करूंगी। की ब्रेक जन आता बाय बाय। मैं मिस करूंगी, बाय। सो
फ्रेंड्स, अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमको यहाँ से ना एयरपोर्ट जाने के लिए बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे घर से जो एयरपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा दूर है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हमको लगभग 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा लगेगा। उसके बाद फिर हम भुवनेश्वर 4:30 या फिर 4:30 पहुँचेंगे और घर तक 5:30, उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तुम ले पा रहे हो? नहीं। दो, मुझे दे दो। हम लोग अंदर आ गए, अभी हमको चेक इन एक्सेट्रा करना है। There we go. बैगेज चेक सब हो गया है। अभी हमारा गेट कौन सा है मम्मी? 26। गेट नंबर 26। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। सीट हम दोनों का अलग अलग, अलग अलग सीट है हम दोनों का। मतलब सेम रूम में है लेकिन अलग अलग है। लाइक मम्मी का आगे है, मेरा पीछे है, वैसा। मेरा मन है कि हम सीट एक्सचेंज करा लें प्लीज, मैं मम्मी के बिना नहीं रहूँगी। और इसके बाद मेरे बैग में मेरा स्किन लोशन है, उसको मैं लगाऊंगी और उसके बाद मेरा लिप बॉम लगाऊंगी ताकि मेरे को मेरा वापस से स्किन मिल जाए, क्योंकि मैं पूरी ब्लैक दिख रही थी उस टाइम। ट्रिक ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे कर दूंगी, क्योंकि हमको घर में बोला है मम्मी ने, भूल दिया नानी काम आएगा कुछ, नानी को सब पता है। मैं बाल अभी थोड़ा सा ओपन रखूंगी अभी के लिए और मास्क लगाएंगे एंड बैग पकड़ेंगे एंड लेट्स गो। थैंक गॉड मेरे बैग में मेरा स्किन लोशन और लिप बाम था जो मैं लगा लिया, नहीं पता नहीं कैसा दिख रहा था। सो अभी हम लोग हमारा गेट नंबर पे जा रहे हैं, हमारा गेट नंबर 26 है, तो अभी हम लोग वहाँ ही जा रहे हैं। मेरे को तो कहीं 26 मिल नहीं रहा मम्मी। ये सारे चीज़ें एयरपोर्ट में लेने के लिए मना है। एनीवेज हम लोगों ने इनमें से एक भी चीज़ नहीं लाया है, हम लोग अभी वेट करेंगे। हमारा गेट नंबर 26 की कलेक्ट ट्रे और अभी यहाँ मेरा तो हमारा सारा फॉर्मेलिटीज़ हो गया है चेकिंग। अभी हम लोगों को लाइक वेट करना है वेटिंग रूम में, और वेट करते करते हम लोग लंच कर लेंगे, क्योंकि लंच हम पैक करके लाए हैं, मामी आज बनाई थी लंच। और यहाँ हैमलीज और बहुत सारे हम अभी भी बिजी हैं हमारा ढूंढने के लिए गेट। गेट नंबर 26 जो हमारा गेट नंबर है वहाँ बहुत लोग हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल 26 में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 25 में ही बैठ रहे हैं। और अनाउंस करेंगे तो सुनाई दे देगा, तो हम 26 में चले जाएंगे। अभी मैं मेरा लंच करूँगी, आज हमारा लंच यहाँ होगा। सो आज का लंच है वेज राइस और रायता। लंच स्टार्ट करते हैं। ओके सो लंच
लंच टाइम हो गया, हम वेट कर रहे हैं कब 2:20 होगा। और मम्मी अभी लंच कर रही है, मम्मी का लंच टाइम। सो अभी मैं ना मेरा मिल्क शेक पी रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर ली इसको पीने के लिए। फाइनली मेरा मिल्क शेक पीने का टाइम। 5 minutes later. पता चला कि हम लोग लेट हो गए। जो टाइम था ना वो था 1:40 और अभी टाइम हो रहा है 2:00, मतलब 20 मिनट्स हम लेट हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या मैं बता देती हूँ। हम लोग ना लंच करने का सोच रहे थे कि हैमलीज जाएंगे और थोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट करके आएंगे, लेकिन रास्ते में ही पापा हमको बोले कि मतलब पापा कॉल करके कि अपने हैमलीज अब वीडियो के चक्कर में फ़्लाइट मत मिस कर देना। तो तभी से ही मम्मी को ऐसी फीलिंग आने लगी कि जैसे फ़्लाइट मिस हो जाएगा, फ़्लाइट मिस हो जाएगा, फिर मिस हो चुका है। तो वैसा इसलिए हम लोग वापस आ गए और पता चला कि ऑलरेडी वो जो स्टाफ लोग हैं मामा जी को कॉल कर चुके थे और हमारा नाम भी वो लोग पुकार रहे थे। इट वॉज सो एम्बेरसिंग, लाइक कोई ऐसे लेट कर भी कैसे सकता है, वो भी वीडियो के चक्कर में। तो मेरे को ना खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और मम्मी को भी अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। थैंक गुडनेस, नहीं तो हमारा फ्लाइट जो था वो मिस ही हो जाता। बैठती ही मेरे को भूख लग रही है, आप लोग तो सब जानते हो मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ। तो मैं ना ये मैड एंगल्स, ये जेली बेयर, ये खाने वाली हूँ। जो आर्यू ने मेरे को दिया था ये जेली बेयर, ये भी मैं खा लूँगी। और एक और चीज़ है वो मम्मी के लिए है, ये मूंग दाल, मम्मा ये वाला खाएगी। उनको ये मैं भी थोड़ा सा शेयर करूँगी, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं भी मेरा चिप शेयर करूँगी उनको, तो ये अभी हम लोग खाएँगे। अभी है मेरा चिप्स खाने का टाइम, भूख लगी है। ये है हमारे टिकट्स, ये वाला मेरा है और ये मम्मी का। अभी हम लोग हमारा बैगेज लेंगे, मेरा तो मिल गया एज ऑलवेज, मम्मी का लेट मिलता है। आ रहा है, 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 आ रहा है। यहाँ से देख सकती हूँ मैं मम्मी का आ रहा है कि नहीं। ना मम्मी का अभी तक नहीं आया है। नो नो नो, आ गया मम्मी का। ये वाला है, ये वाला जो देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स एक कबूतर आया है, लगता है ये कबूतर अंकल का ना फ्लाइट मिस हो गया है, इसलिए वो इतना जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आई कैंट बिलीव एक कबूतर एयरपोर्ट में, वो भी चल चल के आ गया। हाँ मेरे को वेलकम। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर वापस पहुंच गई हूँ, भुवनेश्वर हम लोग पहुंच गए हैं। पूरा दिन ट्रैवल कर करके मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। और हाँ आई मिस माय फ्रेंड्स, आई मिस आर्यू, आई मिस मामू एंड मामी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ और मैं नानी को तो सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एनीवेज मैं ट्रैवल करके थक गई हूँ, मेरे को किसी भी टाइम नींद आ जाएगा और मैं ऐसे वीडियो बनाते बनाते ही।
So anyways, if you enjoyed watching this video till the very end, please don't forget to like, share and subscribe. Thank God हमारा flight miss नहीं हुआ. Thank you.